Hey guys, what's up? This is me, SK, and you're watching Russellent. दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेडनेसडे नाइट वॉर्स AEW डायनामाइट वर्सेस NXT के बारे में, यानी कि 23 सितंबर 2020 को होने वाले वेडनेसडे नाइट वॉर्स AEW डायनामाइट वर्सेस NXT के बारे में। हमें कल इन दोनों शोज में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, कौन कौन से मैचेस होंगे और क्या क्या सेगमेंट्स होंगे। कल हमें AEW डायनामाइट शो में काफी बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले हैं और TNT चैंपियनशिप का मैच भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ हमें NXT में नंबर वन कंटेंडर के लिए बैटल रॉयल मैच और फर्स्ट एवर गोंगलेट एलिमिनेटर मैच देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं AEW के डायनामाइट शो के बारे में, यानी कि हमें उसमें कल क्या क्या देखने को मिलने वाला है। और AEW ने अभी तक 4 सेगमेंट्स और मैचेस को ऑफिशियली अनाउंस किया है। कल हमें डायनामाइट शो पर एक वुमेन्स डिविजन से टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। AEW वुमेन्स चैंपियन हिकारु शिडा एंड थंडर रोजा वर्सेस डायमांटे एंड इविलिशी के बीच। और दोस्तों अगर मैं इस मैच में प्रिडिक्शंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस मैच में हमें हिकारु शिडा और थंडर रोजा जीतती हुई दिखाई देंगी और हमें ये मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सारी सुपरस्टार्स काफ़ी कमाल की है। और दोस्तों हमें कल डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको लाइव देखने को मिलेंगे। कल उनका हमें कोई प्रोमो देखने को मिलने वाला है या फिर उनका कोई एक सेगमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें कल AEW डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ये मैच एक सिक्स मैन टैग टीम मैच होने वाला है। जॉन मॉक्सले, विल होब्स एंड डार्बी एलन वर्सेस लेंस आर्चर, ब्रायन केज एंड रिकी स्टार्क के बीच। दोस्तों हमने लास्ट वीक AEW डायनामाइट शो पर देखा था जहां हमने लेंस आर्चर और ब्रायन केज के मैनेजर के बीच एक डील देखी थी, जिन्होंने आपस में डील की थी कि ब्रायन केज लेंस आर्चर की हेल्प करेंगे जॉन मॉक्सले के अगेंस्ट AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में, और ब्रायन केज उनकी हेल्प कर लेंस आर्चर को AEW वर्ल्ड चैंपियन बना देंगे। लेकिन बाद में लेंस आर्चर को ब्रायन केज को अपॉर्चुनिटी देनी होगी AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों उसके बाद हमने वहां जॉन मॉक्सले देखे थे, जिन पर पीछे से आकर ब्रायन केज और रिकी स्टार्क ने अटैक कर दिया था और जिनको सेव किया था वहां विल होब्स ने। और उसके बाद जॉन मॉक्सले ने लेंस आर्चर, ब्रायन केज और रिकी स्टार्क को मैच के लिए चैलेंज कर दिया था। और अब हमें एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है कल के AEW डायनामाइट शो पर। और दोस्तों अगर मैं इस मैच में प्रिडिक्शंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि जॉन मॉक्सले, विल होब्स एंड डार्बी एलन इस मैच में जीत जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें TNT चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है। मिस्टर ब्रूडी ली, जो कि डार्क ऑर्डर के लीडर है, वर्सेस ऑरेंज कैसिडी के बीच। और दोस्तों हमें यहाँ से इन दोनों के बीच एक फ्यूड स्टार्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि कल हमें मिस्टर ब्रूडी ली वर्सेस ऑरेंज कैसिडी के मैच में डार्क ऑर्डर के मेंबर्स ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं और हमें इस मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रूमर्स काफी ज्यादा है कि अब नेक्स्ट TNT चैंपियन हमें ऑरेंज कैसिडी देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रूडी ली वर्सेस ऑरेंज कैसिडी के आगे भी फ्यूड कंटिन्यू रहने वाली है और हमें AEW के पेपरव्यू में ऑरेंज कैसिडी वर्सेस मिस्टर ब्रूडी ली का मैच TNT चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं NXT के बारे में, NXT में कल क्या देखने को मिलने वाला है। WWE ने इसके लिए 3 मैचेस को पहले से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। दोस्तों सबसे पहला मैच जो कि हमें NXT में देखने को मिलने वाला है वो होगा तमासो चेंपा वर्सेस जैक एटलस के बीच। ने लास्ट वीक NXT पर देखा था जहां तमासो चेंपा ने जैक एटलस पर पीछे से अटैक कर दिया था और उसके बाद जैक एटलस ने तमासो चेंपा को मैच के लिए चैलेंज कर दिया था। और अब हमें कल इन दोनों के बीच मैच देखने को मिलने वाला है। और अगर इस मैच में मैं विनर की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस मैच में तमासो चेंपा जीत जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर के लिए एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिलने वाला है। और इस मैच में हमें रिया रिप्ले, टैगन नॉक्स, कैंडेस लरी, कैडियन कार्टर, जियाली, कैसे कंटानजोरा एंड सोर्टिस ब्लैक हार्ट एंड काफी सारी और सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों ये मैच हमें काफी कमाल का देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस मैच में प्रिडिक्शंस की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस मैच में सोर्टिस ब्लैक हार्ट जीतती हुई दिखाई देंगी और वो
एनएक्सटी टेकओवर में इयो शिराई, जो कि एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन है, उनको फेस करेंगी। और अभी हाल ही में हमने इन दोनों के बीच काफी ज्यादा टेंशन देखी है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस मैच में सोर्टिस ब्लैकहार्ट जीतती हुई दिखाई देंगी। आप लोग कॉमेंट कर ये जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलेगा, फर्स्ट एवर गोंगलेट एलिमिनेटर मैच। दोस्तों, इस मैच में हमें 5 सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे खुशीदा, टिमोटी टार्चर, ब्रॉन्सन रीड, एमरन ग्रीम्स, आइलो रेली। और दोस्तों, ये मैच हमें काफी ज्यादा कमाल का देखने को मिलने वाला है। और इस मैच का विनर सीधा फेस करेगा फिन बैलर को एनएक्सटी टेकओवर में एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए। और अगर मैं इस मैच की प्रिडिक्शंस की बात करूं तो मैं 2 सुपरस्टार्स में कंफ्यूज हूं। मुझे लगता है कि टिमोटी टार्चर या फिर ब्रॉन्सन रीड, इन दोनों में से कोई एक सुपरस्टार हमें फर्स्ट एवर गोंगलेट एलिमिनेटर मैच जीतता हुआ दिखाई देगा, जो कि एनएक्सटी टेकओवर में द प्रिंस फिन बैलर को फेस करेगा WWE एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए। सो दोस्तों, अब देखते हैं कि हमें कल क्या देखने को मिलने वाला है, इस मैच में कौन जीतता हुआ दिखाई देगा। आप लोग भी हमें कमेंट कर ये जरूर बताना कि आप लोगों की क्या प्रिडिक्शंस है इस मैच को लेकर। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।